हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल साहब जी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरे पास है मी 11X, जिसको पोको F3 के नाम से भी जानते हैं। आज हम इस पे OnePlus 9R की जो कस्टम रोम है वो इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं। इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले इसका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए और आपको एक TWRP रिकवरी इसमें इंस्टॉल होना ज़रूरी है। TWRP रिकवरी आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी इंस्टॉल करनी है। वो कैसे इंस्टॉल करनी है, मेरे चैनल पे लिंक है, मैंने इसके इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है। वीडियो में जाके आप चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए हम आज की जो OnePlus 9R जो कस्टम रोम है उसको कैसे इंस्टॉल करना है उसको आपको मैं बताता हूँ। आपको सेटिंग पे जाना है, आपको जो सारे आपके जो पासवर्ड वगैरह लगाए हैं ना वो सारे रिमूव कर देने हैं। आपको क्या करना है, सारे पासवर्ड, फेस अनलॉक, पैटर्न सब हटा देने हैं और अपना जो मी अकाउंट है उसको भी लॉग आउट कर देना है। और फिर आपको वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन एक साथ प्रेस करना है। आपको मेनली ये ऑरेंज फॉक्स रिकवरी चाहिए। अगर आप ऑफिशियल TWRP रिकवरी पे हैं तो आपको ऑरेंज फॉक्स रिकवरी पे चले जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो इंटरनल है वो शो नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसी OTG ले लेनी है। OTG लेके आपको इस पे इंस्टॉल कर लेनी है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ क्लिक करना है, माउंट पे क्लिक करना है, USB को माउंट कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, SD कार्ड पे जाना है और OTG को सिलेक्ट कर लेना है, USB OTG को। इस पे मैंने 3 फाइलें रखी हुई हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, जो कि ये फॉर्मवेयर है जो कि आपको चाहिए एंड्रॉयड 11 का, 12.5.7.0 है मेरे पास, और ऑरेंज फॉक्स रिकवरी ज़रूरी चाहिए और ऑक्सीजन OS का जो कस्टम रोम है वो आपको चाहिए ही चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो इसका जो MIUI का है फॉर्मवेयर उसको सिलेक्ट करना है और इंस्टॉल कर देना है, कर देना है। तो फॉर्मवेयर इंस्टॉल होने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको होम पे जाना है, इस पे जाना है और आपको डेल्वी कार्ड कैचे और डेटा को सिलेक्ट करके आपको स्वाइप कर देना है, तो स्वाइप कर देना है। इसको डन होने के बाद आपको क्या करना है, होम पे जाना है और फिर वही फाइल पे आपको चले जाना है, USB ऑन द गो केबल पे। बस सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, जो ऑक्सीजन OS का जो आपका OS है उसको सिलेक्ट करना है, या ऑक्सीजन OS देख रहे हैं लिखा यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑक्सीजन OS को सिलेक्ट करना है और सिंपली इसको स्वाइप करके इंस्टॉल कर लेना है। और ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लेगा तो आपको वेट करना है। तो
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो कस्टम रोम है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद आपको क्या करना है, होम पे जाना है, फिर आपको जो ऑरेंज फॉक्स जो आपकी रिकवरी है ना उसको फिर से इंस्टॉल कर लेना है। जो आपकी जो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी है ना, ऑरेंज फॉक्स लिखा हुआ है ना, इसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके ऑरेंज फॉक्स देख लेना है ध्यान से, और फिर आपको इंस्टॉल कर लेना है। वो ऑरेंज फॉक्स रिकवरी आप हमारी जो इंस्टॉल हो चुकी है, फिर हमको क्या करना है, होम पे क्लिक करना है और इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखा है मैनेज, आपको मैनेज पार्टीशन लिखा है ना, इस पे क्लिक करना है और टा पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर टिक कर देना है, टिक का निशान आप देख सकते हैं। फॉर्मेट डेटा पे क्लिक करना है, देख सकते हैं फॉर्मेट डेटा, और टाइप करना है YES, मतलब यस, ओके करेंगे। और फिर दोस्तों आपको जो रीबूट नाउ बटन आ रहा है इस पे आपको नहीं करना है, आपको होम बटन पे करना है और आपको रीबूट पे जाना है। क्या करना है, स्लॉट ए इज एक्टिव पे क्लिक करना है और फिर आपको यहाँ पर सिस्टम पे क्लिक कर देना है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो कस्टम रोम है वह बूट हो चुकी है। कुछ ऐसा इंटरफेस आप देख सकते हैं। तो इसका रिव्यू दोस्तों आपको मैं जल्दी दूंगा, कैमरा चेक कर लेते हैं पहले इसका। तो आप कैमरा देख सकते हैं दोस्तों, जो मी यूआई का ANX कैमरा हमें मिल जाता है। सारे फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं इसके, और इसमें मैं आपको डायलर भी बता देता हूँ। डायलर हमें जो वन प्लस का मिलता है, 198 पे कॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉल रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, कॉल रिकॉर्डिंग। ओके, ऑटो कॉल रिकॉर्ड भी आप देख सकते हैं, ऑटो कॉल रिकॉर्ड, नोटिफिकेशन ऑल, ऑल व्यू करके तो देख सकते हैं आप कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है। तो देख सकते हैं कुछ इंटरफेस आपको मैं दिखा देता हूं। इसमें आपको एडवांस फाइल मैनेजर, गेम स्पेस भी मिलता है, गैलरी जो अपनी वन प्लस की मिलती है, और आपको साउंड इफेक्ट मिल जाता है जो कि मी यूआई का है। तो साउंड इफेक्ट और कैमरा आपको मी यूआई का मिलता है, क्लॉक गूगल का ही लग रहा है, वन प्लस का ही लग रहा है, और फिंगरप्रिंट आप यूज़ कर सकते हैं। फेस अनलॉक का आपको फीचर नहीं दिया गया है। तो इसका फुल रिव्यू लेके आऊँगा दोस्तों, थोड़े दिन यूज़ करता हूँ फिर आपको मैं, स्टे ट्यून होता हूँ। तो इंस्टॉल जैसा जैसा मैंने इंस्टॉल किया है दोस्तों, आप वैसे ही इंस्टॉल करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं मी यूआई 13 पे था, जो 13 है मी यूआई, उसके लेटेस्ट वर्जन पे था। आप डेट्स देख सकते हैं, 7 जून है आज, इस पर कौन सा वर्जन चल रहा है। तो उसके बाद मैंने जो इसका फॉर्मवेयर इंस्टॉल करने के बाद उसको वाइप किया, डाटा फॉर्मेट किया, तो
कोई दिक्कत नहीं आ रही दोस्तों, आप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप वीडियो को वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल भी रही होगी तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, वीडियो को लाइक कर दें, कुछ भी पूछना है तो कमेंट करें प्लीज़। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने वीडियो को देखा और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें जो कस्टम रोम इंस्टॉल करने का इच्छा रखते हैं। आशा रखता हूँ दोस्तों वीडियो बढ़िया लगी तो आप जरूर सब्सक्राइब करके जाना। धन्यवाद।